आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चुनावी महासंग्राम को जीतने के लिए भगवान का भी आशीर्वाद लिया जा रहा है। आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक लेने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। चुनावों में मतदाता नेताओं को भगवान नजर आने लगते हैं, क्योंकि मतदाता ही भाग्य विधाता होते हैं, मतदाता ही नेताओं के भाग्य का फैसला करते हैं, मतदाता ही सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं। यही वजह है कि नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि मतदाताओं को रिझा लिया गया तो सरकार बन जाएगी। सरकार बनाने के लिए जग के भाग्य विधाता को भी मनाना जरूरी होता है। यही वजह है कि नेता जहां जनता की शरण वंदना करते हैं, वही भगवान का भी आशीर्वाद लेने में पीछे नहीं रहते। आगरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। खंडौली टोल प्लाजा पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, एतमादपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बेबी रानी मौर्य, राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता स्वागत के लिए टोल प्लाजा पर मौजूद थे। गम जोशी का स्वागत किया गया और टोल प्लाजा से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा काफिला सीधे राजपुर चुंगी शमशाबाद रोड रायेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचा। जहाँ पर विधि विधान से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। आचार्य रणवीर उपाध्याय ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई। मंत्रों से रायेश्वर महादेव मंदिर गूंज उठा। पूरे उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई, भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी गई। भगवान भोलेनाथ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आशीर्वाद लिया। भगवान का आशीर्वाद भी बेहद जरूरी है। नेता भगवान का आशीर्वाद लेकर जनता की चरण वंदना करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का कहना था कि भगवान भोलेनाथ से जीत का आशीर्वाद लिया गया है। मंदिर में क्या पूजा अर्चना की? पूजा अर्चना क्या होती है मंदिर में? जो विधिवत मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था प्रथम राउंड में और ब्रज प्रांत में प्रथम फेज की चुनाव की शुरुआत उन्होंने राजेश्वर मंदिर में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करके की है। वेल विगन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। संयोग है कि वो हमारे लिए राजेश्वर मंदिर, हमारा मनकामेश्वर मंदिर, हमारा बल्केश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आसपास कौन रहते हैं इस वजह से वो मंदिर नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मंदिर है जो आगरा की शान है। पूरे विधि विधान के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। राजेश्वर महादेव मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। ऐसा बताया गया है, राजा खेड़ा के सेठ भगवान शिव के परिवार को लेकर जा रहे थे, विश्राम के चलते राजपुर चुंगी क्षेत्र में रुक गए, लेकिन उसके बाद भगवान शिव आगे नहीं गए, इसी के चलते राजपुर चुंगी में ही मंदिर स्थापित कर दिया गया। अपनी मान्यता है और यही वजह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र की बैठक लेने से पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे। राजपुर चुंगी क्षेत्र में ब्राह्मण समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, एक तीर से दो निशाने माने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए प्राचीन राजेश्वर मंदिर पर पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं और जीत का आशीर्वाद लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्राचीन रायेश्वर महादेव मंदिर पर पहुंचे हैं और मंत्रों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भगवान से
प्रार्थना की उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत दिलाएं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते। इसके कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।